أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. سبحان الله جزاك الله قاري محمد زكي الله كيفي. बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह रब ताला ने आपको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है. बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात व्यूअर्स. अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ानुल मुबारक की 23वीं 23rd सहरी की ट्रांसमिशन में शहरे रमज़ान में आपसे मुलाकात हो रही है. हम वेलकम करना चाहेंगे हमारी पूरी टीम 24 न्यूज़ HD के व्यूअर्स को, सिटी 42 के व्यूअर्स को, सिटी 41 के व्यूअर्स को एंड रोही के व्यूअर्स को. व्यूअर्स आपकी बहुत ही प्यारी फीडबैक आ रही है. आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और हमारी यही ख्वाहिश है कि आप इसी तरह शौक से हमारी ट्रांसमिशंस को देखा करें और हमारे साथ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें ताकि हम अपने आप को मज़ीद और इम्प्रूव कर सकें. नो डाउट अब तो लिटरली आज से एक हफ्ता के बाद इंशाल्लाह ईद होगी, अल्लाह खैर करे.
बट फिर भी इम्प्रूवमेंट और अपने आप को बेहतर बनाने की जर्नी जो है वो आखिरी सांस तक चलती रहती है। तो जब हम ये बात करते हैं तो कुछ ऐसे हमारी सोसाइटी में हम जिनको अंग्रेज़ी में कहते हैं सोशल ईवल्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे काम हम करते हैं या हमारे इर्द गिर्द के लोग करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गंद या फूट पैदा होती है। लालच और हिर्स, एक ये दोनों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में बहुत इश्यूज़ क्रिएट करती हैं। इंसान के अंदर जब लालच पैदा हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट दीमक की तरह, जिस तरह दीमक घर को बर्बाद कर देती है उसी तरह ये आपके सोल को, आपकी रूह को जो है वो बर्बाद कर देता है लालच और हिर्स। और इसकी वजह से बड़े बड़े घर बर्बाद होते हुए देखे हैं, भाइयों को बहनों से बातचीत ख़त्म करते हुए देखा है, रिश्ते ख़त्म करते हुए देखा है, जबकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खून के रिश्ते तो कभी नहीं ख़त्म होते, लेकिन लोग भाई बहनों से बातचीत छोड़ देते हैं, बच्चे माँ बाप से जो है वो लड़ पड़ते हैं, झगड़ा कर पड़ते हैं, जबकि हमें ये कहा गया, हमें ये हुक्म दिया गया है कि माँ बाप को उफ तक नहीं कहनी। तो आज लालच और हिर्स पे बात करेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्टली कि लालच क्या है, हिर्स क्या है। अब गुफ्तगु के सिलसिले को आगे बढ़ाने के बजाय सीखने के अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो हमें नात के सफ़र पर लेके निकलते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर, स्कॉलर इन हिज़ ओन राइट, और बहुत ही बेहतरीन आवाज़, मतलब अल्लाह ताला ने कुछ बहुत ही ख़ास करम किया है इनके ऊपर माशाल्लाह। पीर सैयद मोहम्मद मुकद्दस कादमी अल मशदी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भैया, लालच और हिर्स आज का टॉपिक है। आपके तो पास दूर दूर तक आपके मतलब करीब से नहीं गुजरा ये वाली बात, अल्लाह का शुक्र है। इसके बावजूद इस पे बहुत बात हो सकती है और फुकरा का बेटा हूँ, फकीरों का बेटा हूँ, बहुत कुछ कहा जा सकता है। नहीं, बट फकीरों के तो करीब से नहीं गुजरती ना लालच और हिर्स, वो अपनी दुनिया में होते हैं, अपनी डीलिंग हमारी, वो ज्यादातर जो है ना मामलात यही होते हैं लालच और हिर्स के, जो केसेस आते हैं, जो तलाकों तक बात चली जाती है। और जो आपने बात की 100% यही है कि बहन भाई का दुश्मन हुआ है और जो है ना माँ बाप का दुनिया से जाने का इंतजार, अल्लाह माफी दे। तो बस तकवार, आज हम यही दोपहर को बात कर रहे थे इफ्तारी के ट्रांसमिशन में कल, कि माँ जब चली जाती है ना दुनिया से या बाप, तो ऐसे होता है सर से छत उड़ जाती है। और वो लोग देखिए जो वेट कर रहे होते हैं कि जाएं इस दुनिया से ताकि हमें हमारा हिस्सा मिले। भाई कौन सा हिस्सा? हाय हाय, माँ बाप नहीं तो इसके बगैर वो हिस्सा जो इसको तू जायदाद समझ रहा है, जो छत समझ रहा है, उसकी क्या रौनक रौनक रह जाएंगी, और तू क्या करेगा वो सब कुछ लेके। और फिर मैं कहता हूँ कि काश के इस बात की लोगों को समझ आ जाए कि एक छोटा सा वाक्य मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि एक शख्स को उन्होंने खड़ा किया घोड़ा देके कि तू जो ना इसका रखवाली रख, मैं नमाज अदा कर लूँ। जब बाहर आए तो देखा उसकी जीन गायब थी और घोड़ा अकेला था। अब वो बाज़ार गए जीन लेने के लिए तो देखा वही जीन पड़ी। तो उन्होंने कहा कितने की? उन्होंने कहा जी अभी एक बंदा बेच के गया डेढ़ दिरहम को, तो आप दो दिरहम ले लें। अब मौला कायनात ने एक ठंडा सांस भरा और कहा कि मैं भी यही सोच रहा था कि इसे मैं दो दिरहम दूंगा जो बाहर आऊँगा, लेकिन उसने हराम करके कमा लिए, हलाल जो है उसने सब्र नहीं किया। और ये चीजें, और ये तो हम पैदाइश से सुनते आ रहे हैं कि आपके हिस्से का आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो जैसे तैसे भी मिले, तो क्या बेहतर नहीं है कि रब ताला की खुशनुदी हासिल करके। देखिए, लालच सिर्फ होना चाहिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का, बेशक रब ताला को खुश करने का। इस दुनिया से हम लोगों की दुआएं और अपने आमाल ही लेके जाएंगे, बेशक, वरना उसी हालत में जमीन में जाएंगे जिस हालत में हम माँ की कोख से निकलते हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा ना लेके जा सकते हैं। वो क्या थे जो जिनको मम्मी इजिप्शियंस अपनी टूम्स में कितना कुछ डाल के जाते थे, कौन सा वो अगली दुनिया में साथ ले गए? वही की वही उनकी हड्डियां गल गई और चीजें वही की वही रह गई, सब कुछ यही रह जाना। और दुनिया को फतह करने वाला वो मेरे जहन में वो नाम जो जहलम तक आया था, जिसने कहा था कि मेरे हाथ बाहर रखना भाई जब मैं मर जाऊं। तो बताइए
कि अच्छा कई दफ़ा बहुत अहम लोग भी जहन से निकल जाते हैं, तो अब देखिए कि क्या जो उसने कहा कि ये क्यों तू ऐसा चाहता है, कहते कि दुनिया को मैंने फतह किया है लेकिन मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहे हैं। नहीं 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 बोलिए। अच्छा तो इस तरह मैं कहता हूँ कि अब दिमाग में फंसा दिया ना आपने सिकंदर आजम। आज सिकंदर आजम तो ये सारी बातें कि हम देखें कि जो देखे कहां गया फिरौन कहां गया जी, बहुत सारे मैं कहता हूं शहंशाह ईरान कहां गया, मैं कहता हूं कि थोड़ा सा पीछे आप चले जाइए यहां के बादशाह सदर यूब साहब थे कहां चले गए, सदर जिया साहब थे कहां चले गए, यानी किसी ने रहना नहीं है। जब यकीन है कि तुमने रहना नहीं है तो फिर कौन सी लालच और कहां किस हिरस में तुम जो ना वो दबे बैठे। क्या ज्यादा अच्छा नहीं है कि जब आपका नाम लिया जाए तो लोग कहें कि वाह क्या इंसान थे, क्या पर्सनैलिटी थी, क्या मोहब्बत भरा दिल था। बात वही तो चीज़ है कि अल्टीमेटली हम जब लोगों के नाम लेते हैं तो जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ये वो, हाँ उसने बहुत सी चीज़ें फतह की लेकिन लोगों के दिल तो नहीं फतह कर पाया ना। बिल्कुल। और मैं भी आज चूँकि मेरी कोशिश है कि मैं फुकरा के अब चूँकि मैं पंजाब में हमने बहुत सफ़र कर लिया, मक्का से मदीना, मदीना से हम आए मिस्र, मिस्र से तुर्की, तुर्की से ईरान, फिर अफगानिस्तान, इंडिया। अच्छा एक सवाल है। अगर एक ऐसे करें कि हाँ। अभी कलाम सुनते हुए हम ब्रेक पे जाएं और फिर ब्रेक के बाद आके आप बताएं किसका कलाम और क्या। चल अच्छा जरा थोड़ा सा चूंकि ये चेंज कर दिए कि ताकरात भी है, आज है और आखिरी ताकरातों में हमें ढूंढना है लैलतुल कद्र को, तो मैं एक पंजाबी का कलाम, बड़ा सादा कलाम, और इसमें मैं चाहता हूँ कि एक दुआया कलिमात है। दुआया कलिमात कितने बेतकल्लुफ है आप सुनिएगा। हाँ सोनिया करम कमाते तेरा की जानता, हाँ सोनिया करम कमाते तेरा की जानता, उजड़ी झोंक वसा दे तेरा की जानता, उजड़ी झोंक वसा दे तेरा की जानता, ते सुतिया होया ख्वाबां दे विच आके ते, सुतिया होया ख्वाबां दे विच आके ते, की कर सुतड़े लेख जगा दे तेरा की जानदा, सुतड़े लेख जगा दे तेरा की जानदा, उजड़ी चौक बसा दे तेरा की जानदा। ये सरकार के इख्तियार की बात कर रहा हूँ। क्या कुली मस्त मलंगा दी विच, अब ये वो वाली कुली नहीं ये वाली कुली, कुली मस्त मलंगा दी विच आके ते, कुली मस्त मलंगा दी विच आके ते, एनू अरश बना दे तेरा की जानदा, एनू अरश बना दे तेरा की जानदा, उजड़ी जोक बसा दे तेरा की जानदा। और इसका आखिरी शब्द मैं पेश कर रहा हूं, जेड़े वेखना चांदे आका ओ नानू, जेड़े वेखना चांदे आका ओ नानू, अपना शहर विखा दे तेरा की जानदा, शहर बिखा दे तेरा की जानदा, उजड़ जा
तेरा कि जो दो ब्रेक व्यूअर्स व्यूअर्स यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी मेरी जो बहुत ही प्यारी सी मेकअप और हेयर की रात को मेरे साथ बहन होती हैं मेरी जीनत आपा यहीं सिटी न्यूज़ नेटवर्क की, उनका स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगी जो वो मुझे बर्दाश्त करती हैं शहरी की ट्रांसमिशन में। ये बड़ी टफ ट्रांसमिशन होती है, एक तो मुझे बर्दाश्त भी करती है और 24 घंटे मेरे सर पे दुपट्टे जो है वो संभाल रही होती हैं। तो स्पेशल शाउट आउट टू माई लवली जीनत आपी। क्या खूबसूरत आपने मुकद्दस भाई कलाम पेश किया ब्रेक से पहले, इतना सिंपल जी, इतना प्यारा। असल में फारसी सुन सुन के ना आप भी परेशान हो रही थी जी, तो मैंने सोचा कि माँ बोली में भी कुछ जो है ना वैसे नहीं। आप दोनों एक्सट्रीम पे चले गए ना, अभी तो जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी माँ बोली उर्दू है और फिर उसके साथ साथ पंजाबी या सिंधी या बिल्कुल। लेकिन इसमें बतौर खास मैं आपके किसका कलाम है, ये रफीक साहब है उनका, रफीक ज़िया साहब, और ये स्पेशली उसने लिखा मेरे लिए था कि ये आपके लिए खुसूसी तौर पर। तो आज मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ये आप तवज्जो कीजिएगा, और मैं चाहूँगा कि इस हवाले से हम शुक्रिया अदा करें इस इदारे का कि जिसने बहुत सारी गलत फहमियाँ जो है ना दूर कर दी इस बना पर, जो ये समझा जाता था कि ये फ़कीर की फिक्र कोई रब के कानून की बगावत का नाम है, ये समझने की बात। फिर से बोले, यानी फकीर की जो फिक्र है जी, समझा ये जाता था कि फुकरा जो हैं शायद को रब की कानून की बगावत का नाम भी है। अच्छा, यानी इनको जरा शरीयत से हट के ये लोग हैं, शरीयत को मानने वाले नहीं है, जबकि हर फकीर आप देखिए जिस जिसका मैंने जिक्र किया, बुल्ले शाह हो, वारिस शाह हो, आप रहमतुल्लाह अलैह अपना सुल्तान और आरफीन हो, ये 7 साल की उम्र में, बाबा फजल शाह 7 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज कर रहे हैं, और उसके बाद जो शायरी का जो शगफ या शौक पैदा हुआ है कुरान और अहादीस को समझने के बाद इन्होंने लिखा है। सबसे बड़ी बात हम ये समझते हैं। अब देखिए मसलन, और क्यों इन्होंने इंतखाब किया, कोई शशि पुनू को कर रहा है, कोई हीर रांझा को कर रहा है, कोई लैला मजनू को कर रहा है। अब देखिए ये समझने और समझाने वाली बात है, जो आपके मिजाज के लोग हैं ना उनके लिए ये बात कहने जा रहा हूं कि कभी भी फकीर जो है ना वो कुरान को हटा के को अपना वो जो ना वो सिलसिले को आगे अपनी कोई थियरी नहीं मारेगा, कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। जैसे सुल्तान और आरफीन फरमाते हैं एक जगह पे कि हसन दे के रोवण ले हुई ते को दिता किस दिलासा हो, उम्र बंदे दी इंज वी वहाणी ज्यों पानी बिच पतासा हो, अब कुल मन अलैहा फान वयब का वजहू रब्बी का जुल जलाल वल इकराम। अब पतासा क्या है, देखिए कितनी सादगी से इस आयत का तर्जुमा हमें समझा दिया कि उम्र बंदे दी इंज भी बहानी, यानी बंदे की उम्र इस तरह भी जो है ना वो खत्म होनी है जिवें ज्यों पानी विच पतासा हो। पतासा एक चीनी की प्रोडक्ट थी जो श्रीनी में बहुत ज्यादा तकसीम होती थी। अब उसका क्या किया कि उसको जो अगर पानी में डाल दे वो अपना वजूद खत्म कर जाए, घुल जाए, तो ये जिंदगी है बंदे की, तो फिर तू इसी पे मांड कर रहा है, फिर तेरी लालच तेरी हिरस बढ़ती जा रही है, क्यों? फिर असल में फकीर की गुफ्तगू बड़ी कैजुअल होती है, हाँ, औखी बात नहीं करते ना, इसीलिए सिंपल बात करते हैं, दिल में उतर जाती है और लोगों को समझ भी आ जाती है। अच्छा, उससे फिर लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, बस ये बात यार, ये तो बड़े सिंपल अल्फाज में ये बात हो गई तो हम तो बड़ी फैंसी बातें करते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने यानी इतकाफ को मैंने धरने का नाम दिया, ये फुकरा की जबान है, धरना आप भी परेशान हुई भाई, मैं तो पूछूंगी बाद में, इसका मतलब ये नहीं है, यानी आम लोगों तक असल बात को पहुंचाना है किसी भी तरह से। अब देखिए जो मैंने कह रहा हूं कि पतासा, पतासे की बात हो रही है और बीच में कुरान की वो अजीम तरीन सूरह रहमान की बात है जिसमें कहा है कि उम्र बंदे दी इंज भी बहानी जो पानी में पतासा हो। और बात ये है कि देखिए व्यूअर्स, बात जैसे कि मुकद्दस ने बहुत प्यारी बात कही, दिल में बात उतरनी चाहिए ताकि आप उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाए। अब आज जैसे हम लालच और हिर्स पे बात करेंगे, लालच क्या है, हिर्स क्या है, बड़े आसान अल्फाज में हमारे स्कॉलर्स हमें समझाएंगे क्या कहा गया इन चीज़ों के बारे में, क्या सज़ा है और कैसे ऐसी बुरी चीज़ों से हम इज्तनाब कर सकते हैं। हम गुफ्तगू को क्यों सिंपल रखते हैं,
ताकि जो भी इस वक्त टीवी पे इस बात को देख रहा हो उसके दिल में बात उतर जाए, ये ना हो कि वो दिमाग में सोचता रहे कि यार ये बड़ी कोई फिलोसॉफिकल डीप बात की है, बंदा वो एक लाइन को ही समझने में पूरा दिन गुजार दे, दिल में वो जो कहते हैं ना स्वाद है मिट्टी बात उतरनी है। देखे अल्लाह को वलियों के पास हम जाते हैं तो वहां पे बैठ जाते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नवाफल पढ़ रहे हैं, उनसे दुआ कर रहे हैं। अच्छा एक बात ये भी जहन में रही, मैं कहता हूँ फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके इदारे की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां दूर होगी। अब फकीर को कोई खुदा मान के कोई नहीं जा रहा, अल्लाह वाला मान के जा रहा है, अल्लाह मान के कोई नहीं जा रहा। किसी से आप पूछ लीजिए कि तू क्या समझ के जा रहा है, वो कह जी अल्लाह के बंदे हैं, कभी भी इस बात को। और वो अपने आप को भी वो हमेशा ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं। अब कोई इंसान नाउज बिल्ला तोबा इस्तग़फार उसको वो लेवल देने की कोशिश करे तो वो इस इंसान की मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस बेचारे फकीर की गलती नहीं है जो सिर्फ ये कह रहा है कि बस मैं और मेरा रब, मैं और मेरा रब, मेरा रब और मैं, ये नहीं कि मैं रब बन गया हूं तो बस इस्तग़फार। ये कंफ्यूजन दुनिया और सोसाइटी की होती हैं। जी हाँ, तो यही वजह है कि आज इत्तकाफ बैठिए और ये सोच के बैठिए कि रब की बारगाह में हम बैठ गए हैं। जैसे मैंने कहा लफ्ज बेशक जाहिरन तो बहुत सख्त था, धरना दे के बैठे, बारगाह खुदावंदी में बैठे है, अल्लाह मुझे माफ करेगा तो मैं उठूंगा यहां से। हैं, यानी ये वो बात है कि जिसको फकीर आम फहम, जैसे मैं आपको बताता हूं कि खुदा का भी तरीकाकार जो है वो यही है, वो जब भी किसी को समझाना चाहते हैं ना वो उसी नजर से समझाना चाहते हैं जिस तरह के लोग समझना चाहते हैं। जैसे हजरत ईसा का दौर था, हजरत ईसा का दौर था, हिकमत का दौर था, जो भी यानी इस कदर हिकमत जो है वो अरूज पे थी कि हर बीमारी का इलाज उन्होंने दे दिया, लेकिन मौत का इलाज किसी के पास नहीं था। बिल्कुल, हजरत ईसा आए, उन्होंने कहा कुम बिज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो, खड़ा होने कहा हाँ, क्योंकि लोग मानते ही मौजज़ात को। हजरत मूसा का मौजज़ा जादूगरी का यानी दौर था, वो हजरत मूसा को असा दे के भेजा। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, तेज आगे बढ़ना को पार्ट कर दिया है, दरिया को, जी हाँ, रेड सी को, पार्टेड द रेड सी, ठीक है। अब मैं बहुत जल्द मैं फौरी तौर पर बरेसगीर में आना चाहता हूँ। अब यहाँ पे भजन गाई जाती थी साज और आवाज के साथ, फकीर ने क्या किया, जो सुनने वाली बात है, फकीर ने ये किया कि जिस साज और आवाज से भगवान की बात होती थी उसी साज और आवाज से रहमान की बात कर दी, और यही वजह हुई, यही वजह हुई कि आप बरे सगीर में 99% जो मुसलमान हुए फकीर की नजर और करम से हुए, कि अब जिससे लोग आदि थे ना उसी साज और आवाज के साथ रहमान की बात सुनाई और उसकी वाहदनीयत का बताया कि वो कौन है। ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मुकद्दस भाई रेज कर रहे हैं। व्यूअर्स, घर में अगर हम बच्चों को भी देखें, जब हम फॉलोअर्स की बात करते हैं तो बच्चों की तरह ही होते हैं ना, बच्चे को भी जब आपने बात समझानी है या उसको किसी तरफ माइल करना है, अगर आप चीख के करेंगे, डांट के करेंगे, रोब झाड़ के करेंगे, बच्चा उस तरफ नहीं आएगा। लेकिन जो चीज़ आप खुद करके दिखाएंगे अपने बिहेवियर से, अपने रद्द अमल से और मोहब्बत और प्यार से समझाएंगे तो बच्चा भी उसी तरफ माइल होएगा। तो हम हमेशा सोचते हैं ना कि कैसे यंगर जनरेशन को लेके आए, मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से, डरा के, धमका के नहीं। ये मेरी एक बिल्कुल सही कहा आपने, और यही वजह है कि हमारे जो औलिया हैं उन्होंने नौजवानों की जो है ना नफ्सियात को पढ़ा और उसके बाद वो किस्सा क्या लिख रहे हैं, लैला मजनू मोहब्बत का किस्सा है, ऐ शीरी फराद मोहब्बत का किस्सा है, और हीर रांझा मोहब्बत का। अब कौन कर रही है, वारस शाह, बुल्ले शाह, बाबा फजल शाह, अब क्या लिख रहे हैं, अब समझा वो कुरान ही की बात रहे हैं। अब रांझा जैसे नहीं आप कहते वो दिल का रांझा, वो रांझे को राजी करना, असल में वो खुदा को राजी करना है। ये जो अंदाज है ये फुकरा ही के पास हैं, और यही वजह है, मैं उलमा का अपना किरदार रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुसलमान किया है वो फकीर की नजर और फकीर के करम से किया है, और फकीर ने ज्यादा किरदार पेश किया है। बेशक गुफ्तगू नहीं, किरदार। तो मैं मुख्तसर, आज मेरा जी चाहता है कि तफसील में जाए बगैर बाबा वारिस शाह, अच्छा आज मेरा जो जिनसे मैंने मोहब्बतें समेट ली हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं बुजुर्ग जो
60 साल से ऊपर हैं, और वो लोग जो हीर रांझा सुना करते थे, और हज़रत वारिस शाह के कलाम, और हज़रत वारिस शाह को ये भी कहा गया है कि आप पाकिस्तान के यानी पंजाब के शेक्सपियर हैं, और आप बिल्कुल जायज का है। अब इनसे भी अच्छा, काश के वक्त होता मैं बताता कि इनसे भी बढ़ बढ़ के पढ़ के सूफिया ने लिखा है, लेकिन चूंकि वारिस शाह मारूफ हुए इन्होंने आसान और आम फहम जबान में सब कुछ लिखा, वरना मैं बाबा फजल शाह की यहाँ पे बात न करूँ तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। बाबा फजल शाह एक लफ्ज़ को 20 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पे फुल ते फुल फुल बमे बादे खेजानी बुलबुल याद तेनू उथे अमला वाले दफ्तर खुल पैसन ते गैसन अदल दी तुल ते तुल तेनू ते जिदा नाम सिरात अल मुस्तकीम आ ओही लंगनी पैसी या पुल तेनू। तो फिर अपनी नफी करके कहते हैं, फजल शाह तू सैयद बन के फुल बैठू जे तू सच पूछे यही ये पुल तेनू। अव्वल हम अव्वल हम्द खुदा दा विर्द कीजे हे इश्क कीता सुजग दा मूल मियां पहला आप ही रब ने इश्क कीता माशूक है नबी रसूल मियां इश्क पीर फकीर दा मर्तबाए मर्द इश्क दा भला रंजूल मियां किले तनहा दे बाग तिना दे बाग कलूब अंदर जिन्ना कीता ए इश्क कबूल मियां। और बतौर खास ये नात रसूल मकबूल वाले जिंदे हक नजूल लौलाक किता हाँ करके मर्तबा बड़ा दिता मदा दिता सब खलक दे ऐब थी पाक किता वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब टॉपिक की तरफ आते हैं, लालच और हिर्स। वैसे तो हम इसी पे बात करते रहे हैं, लेकिन हमारे टीचर्स, हमारे गाइड्स, हमारे मेंटर्स अब हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली लालच और हिर्स है क्या, इसके बारे में कहा क्या गया है, और कैसे हम ऐसे सोशल ईवल से
अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपने बच्चों को और अपने यूथ को भी बचा सकते हैं। बहुत से लोग लेटेस्ट स्टेज इन लाइफ 65-70 प्लस हो जाते हैं तो बहुत सी जो नेगेटिव काम है उनसे इज्तनाब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 60-70 साल तो ज़िंदगी के ये काम करते हुए गुजार दिए होते हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि यूथ जो है और जो यंगर जनरेशन है उसी स्टेज पे हम गलत कामों को अवॉइड करना शुरू कर दें, रादर देन हम ज़िंदगी के लास्ट जो स्टेजेस होते हैं उनमें जाके ये स्टेप्स उठाएं। खैर, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ अलामा हसन रज़ा हमदानी हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। और हमें ज्वाइन किया है मौलाना सैयद फहीमुल हसन थानवी। अस्सलामुअलैकुम। और हमें ज्वाइन किया है प्यारी सी नौरीना इम्तियाज़ ने राम पेश करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम बेटा। तो हम आपकी तरफ आएंगे, लेकिन पहले ज़रा आपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करते हैं। अलामा साहब, लालच और हिर्स, सबसे पहले तो अगर हम इसको डिफ़ाइन कर लें कि ये एग्जैक्टली है क्या। जी, औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। परवरदिगार आलम ने इंसान को बहुत से मलकात के साथ, बहुत सी ताकतों के साथ जबिल्लत में रख कर दुनिया में भेजा, और जबिल्लत इंसानी में चीज़ों को मोतदिल रखने के लिए अल्लाह ने हादी भेजे, 1,24,000 पैगंबर उसी जबिल्लत में रखी हुई कुव्वतों को इतदाल में रखने के लिए भेजे। इसी तरह इंसान की खुद जबिल्लत में हिर्स मौजूद है, यानी जिसको लालच उर्दू में कहेंगे और हिर्स अरबी का उसमें कहेंगे, खुद मौजूद है। इसीलिए उलमा ने हिर्स को दो किस्में करार दी हैं, एक हिर्स मज़मूम, एक हिर्स गैर मज़मूम। हिर्स मज़मूम यानी वो कि जिसकी ज़म की गई हो, जिसकी बताया गया हो कि ये बुरी चीज़ है, जिसकी मजम्मत की गई हो, और गैर मज़मूम कि जिसकी मजम्मत नहीं की गई बल्कि उसके लिए खुद इंसान को, इंसान के अंदर खुदा ने वो उस जबिल्लत को रखा है। यानी अगर आप इसको बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाएंगे तो ये चीज़ बुरी है हिर्स, और बिल्कुल बेइतनाई करेंगे तो फिर इंसान बेइतना हो नहीं सकता, क्योंकि फितरत इंसान में ये चीज़ मौजूद है। यानी खुद ये इश्तहा, भूख का लगना, ये इंसान की हयात के लिए है। लालच जिसको आप कह रहे हैं, जिसको हिर्स कह रहे हैं, ये इंसान की अरूज और तरक्की के लिए है। अब इसके दरमियान फ़र्क ये है कि जब किसी चीज़ का आपके पास मौजूद होना और आपका उसके लिए चाहना उससे बढ़कर कि जो आपके पास नहीं है और वो उस हैसियत से आपकी हैसियत के भी मुताबिक नहीं है, फिर आप उसको अपने लिए तलब करें, ये लालच कहलाएगा। और इसके हवाले से जो फुकहा ने कहा कि जो हिर्स मज़मूम है, ये एक ऐसी खसलत है, एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान के ना सिर्फ किरदार को तबाह कर देती बल्कि इंसान की शख्सियत को भी फना कर देती है, और इंसान किसी मंजिल पर इस काबिल नहीं रहता कि वो इंसान लोगों की निगाह में इज़्ज़त और शर्फ पा सके। बिल्कुल सही जी। अगर हम मौलाना साहब इसी बात को आगे लेके चलें, डेफिनेशन मज़ीद, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लालच और हिर्स से बचने का कोई अगर तरीका बताया या उन्होंने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत में ये बात फरमाई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया और उस खुतबे में ये बात फरमाई कि लालच और तमा से बचो, इसलिए कि पहली जो कौमें हैं वो इसकी वजह से तबाह हो गई, लालच की वजह से पिछली कौमें तबाह हो गई और उनमें बुखल की जो फितरत थी वो निकल के आ गई और वो बखील हो गए, कराबतदारी उनमें से ख़त्म हो गई, एक दूसरे के वो हुकूक मारने लगे। एक और रिवायत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला इंसान को दो वादियां भर के सोने की दे दे तो वो तीसरी वादी के लिए हिर्स और लालच और तमा के उसके अंदर पैदा होगी और वो चाहेगा कि मुझे तीसरी वादी भी सोने की कहीं ना कहीं से मिल जाए। और एक गालिबन रिवायत है कि लालची का जो पेट है वो कब्र की मिट्टी भर सकती है, उसके अलावा उसकी नीयत को कोई चीज़ दुनिया में नहीं भर सकती। लालच जैसे अभी अल्लाह साहब फरमा रहे थे कि मज़मूम भी है और गैर मज़मूम भी है, लेकिन हमने तो बचपन से जब भी लालच का टर्म सुनते हैं उसको नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट किया है। जी, आप ये देखिए ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम क्या कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम।
वो तुम्हारे लिए हरीस हैं रऊफ़ और रहीम बन के, यानी तुम्हारे ऊपर कोई रहमत के काम हो, तुम्हारे ऊपर कोई अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ हों, वो उसके लिए हरीस हैं। यानी वह हर्ष कर रहे हैं किसके लिए कि मेरी उम्मत बख्शी जाए और मेरी उम्मत को अल्लाह ताला अपनी रहमत में छुपा ले। तो हर वो काम कि जो नेक है, जिससे जो इंसान का मकसूद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, उसकी उस इबादत और उसको बंदा बनाने में और उसकी बंदगी में, और उसने जो अल्लाह ताला से वादा किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के जो वादा किया है, उस वादे को पूरे करने में जो भी वो कोशिश करे, उसके अंदर वो दूसरों की हिस्स करे, दूसरों के लिए वो सोचे कि अच्छा ये तो इतना काम करता है अल्लाह का, मैं क्यों पीछे रह जाता हूँ। एक रिवायत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के बारे में है कि उसको अल्लाह ताला ने ख्वाब में, वो बड़ा रईस था और बहुत सदका और खैरात किया करता था, तो अल्लाह ताला ने एक दिन ख्वाब में उसे जन्नत में कहा कि तेरा एक मकान है बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा महल उसको दिखाया। तो कहते हैं कि उसने जब वो महल देखा तो देखा कि वैसा ही बिल्कुल उसके सामने एक और महल मौजूद है। तो उसने पूछा कि या अल्लाह, मैं तो इतना सखी हूँ, मेरा ये महल है, ये दूसरा महल किसका है जो बिल्कुल बैनी ऐसा आइडेंटिकल है, तो ये किसका है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरे सामने जो एक शख्स रहता है झुग्गी डाल के और इंतहाई गरीब आदमी है, ये उसका है। और उसकी आँख खुल गई। कहते हैं कि अब उसकी जब आँख खुली और वो दौड़ा दौड़ा गया उस शख्स के पास कि तूने क्या अमल किया। उसने कहा मैं क्या अमल करूँगा, मैं तेरे जैसा सखी बन ही नहीं सकता। बड़ा परेशान हुआ कि ये तो कोई ऐसा दीनदार भी नहीं, कोई ऐसा नेक भी नहीं। किसी अल्लाह वाले के पास गया और उससे जाके अपना ख्वाब सुनाया और कहा कि मुझे नहीं पता। कहा कि जाके उस गरीब से पूछो कि क्या तू इस बात की हिर्स करता है, हसरत करता है कि तेरे पास भी पैसा होता और मैं खर्च करता। उसने कहा कि हाँ, मैं अल्लाह ताला के आगे बड़ा रोता हूँ कि अल्लाह देख, तेरा ये नेक बंदा, तूने इसे माल और दौलत दिया, ये तेरी राह में खर्च करता है, और अगर तू मुझे भी देता तो मैं खर्च करता। तो कहा कि अल्लाह ताला ने उसकी सिर्फ उस आरज़ू के ऊपर, अल्लाह ताला नीयत के ऊपर, तो ये वो हिर्स है। लेकिन मज़मूम क्या है कि इंसान किसी की तरक्की देखे तो उसको तकलीफ़ शुरू हो जाए, बेचैन हो जाए, रातों की नींदें उड़ जाएँ, परेशान हो जाए, उसके ख़िलाफ़ वो करने लगे। अपनी तरक्की दफ्तरों में और इदारों में लोग अपनी तरक्की के लिए सोचते हैं कि जी दूसरों के बारे में कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल की सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ, 95% केसेस यही होते हैं ना। काश लोग इस चीज़ का हिर्स करते या ये उनके दिल में लालच था कि अल्लाह ताला मुझे कितने खुश होंगे अगर मेरे पास और होता और मैं और करता या करती। हमें यह होता है कि मेरे पास और होता कि मैं साथ वालों को सड़ा सकूं कि मेरे पास तुम्हारे से भी बेहतर गाड़ी आ गया, तुम्हारे से भी ज़्यादा जेवर आ गया, तुम्हारे से भी ज़्यादा बड़ा मकान आ गया। खैर, इसी गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम कलाम की तरफ चलते हैं और फिर ब्रेक की तरफ चलेंगे। नोरीना इम्तियाज़ की तरफ चलते हैं। Allah, 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 All
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह मेहरबान वो कौन है अल्लाहु अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह उसके सब निशान है अल्लाहु अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाहु अल्लाह الحاجتين الله الله واغفر لي والمسلمين الله 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 حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 ilaha illallah allahu allah allah तेरे मैनू ते है ए ना पता अका
तेरे जया कोई नहीं। नबी सुनया मन मोणया कुरान है तेरा नात खां अरबो अजम तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा अका तेरे जया तेरे सारे नबियां नूं ही कहना पया सारे नबियां नूं ही एहो कहना पया आका तेरे जया तेरे जया कोई नहीं। होवे फकीर या बादशाह पावे गदा नियाजी जया सब खांदे ने सदका तेरा आका तेरे जया कोई नहीं। सुभान अल्लाह जज़ाकअल्लाह ज़हीर सुहरवर्दी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी। तो हम बात कर रहे थे लालचो हिर्स की। देखिए बात तो ये है कि अलामा साहब हम तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें, चले कुछ केसेस में लालच और हिर्स जो है वो पॉजिटिव अंदाज में भी लिया जा सकता है अगर वो सही चीज़ के लिए हो, लेकिन सोसाइटी में 95% लोगों की हमने सलाह करनी है, जो 5% ठीक जा रहे हैं वो तो वैसे ही ठीक जा रहे हैं। तो जो लोग लालच और हिर्स को अपनी ज़िंदगी के ऊपर हावी कर लेते हैं, उसके पास ये है उसके पास वो है, अब मुझे वही चीज़ चाहिए, कुछ भी हो जाए वो चीज़ मैंने अचीव करके रहनी है, और घर बर्बाद होते हुए देखें, फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय होते हुए देखें, भाई बहन यूथ में आपस में बात करना छोड़ते हैं और आखिरी सांस तक एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते, माँ बाप अल्लाह माफ़ी दे तो बस तख़्वार, माँ बाप का इस दुनिया से जाने का इंतज़ार होता है, कभी कब माँ बाप से जान छुटे तो हमें हमारा हिस्सा मिले या जायदाद मिले, इस पे भी तो हमें गाइड करें। सही। अच्छा, इसमें एक जो हिर्स के हवाले से है, चूँकि हमारी उर्दू महदूद है और हम यानी उसमें एक लफ्ज़ को एक मफहूम इस्तेमाल, अरबी जो है वो फसीह ज़बान है, मेरी उर्दू बहुत लिमिटेड है आप लोगों की उर्दू बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं। वो इंग्लैंड की है तो फिर वहाँ पे कनाडा की शायद, तो इंग्लिश आपकी ज़्यादा होगी, इंग्लिश भी खैर एक वसी ज़बान है।
ایک وسیع زبان ہے. عربی جو ہے وہ تمام زبانوں میں تقریباً فصیح اور بلیغ زبان ہے, اس لیے اس میں حرص کا, جہاں اس میں حسن کا معنی نکلتا ہے وہاں کب کا معنی بھی حسن حرص سے نکلتا ہے. یعنی جب آپ لالچ کہیں گے تو پھر وہ جو لالچ ہے وہ لالچ ضم کے ہی معنوں میں آئے گا, وہ کب ہی کا معنی دے گا. اب لالچ میں جو ہے وہ آپ, اس کے لیے بڑی ایک خوبصورت سی مثال امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بیان کی ہوئی وہ عرض کرتا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ میں عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ خدا کے خوف سے کرتا ہوں, میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے, وہ ہے ہی لائق عبادت, اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. بر انسان عمل جنت کے لالچ میں بھی کرتا ہے, بر اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا, جو بات آپ نے فرمائی اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا. حرص بحیثیت جمی جو ہے اس میں اکثر ضم ہی کے معنوں میں آتا ہے, حرص کی مذمت کی گئی ہے. حرص کیا ہے؟ یعنی انسان جس چیز کا لالچ کرتا ہے اور وہ اس کے نصیب میں نہیں اور اس کا وہ لالچ کرے. مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال سمپلی سے دیتا ہوں. ایک علامہ شیخ عبد الحسین خان ساری ہیں, ان کی حکایتوں کی کتاب ہے, تو اس میں یہ انہوں نے روایت لکھی, ایک حکایت لکھی کہ ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ حکیم تھا, حکیم شیرازی, بہت معروف حکیم گزرا ہے. ان کے نسخے جو ہیں وہ بڑے آج بھی کارگر ہیں اس حوالے سے, طب کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے ان کا. کہتے ہیں جب ان کی زندگی کے آخری لمحہ تھا تو وہ علیل تھے, تو میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر میں گیا, تو وہ اپنے عزیز سے, اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو بچا ہوا سامان ہے نا, اس کو بھی بازار میں بیچ دو تو ہو سکتا ہے کہ مجھے یا شفا مل جائے یا میری دنیا سے جو ہے وہ جانا خلاصی ہو جائے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم اتنے مایوس کیوں ہو اور یہ سارا سامان کیوں بیچنا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بیسک وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کربلا, چونکہ کربلا میں رہتے تھے, کربلا میں ایک وبا پھیلی تھی اور اس کا علاج جو حکماء کے نزدیک اس کے دریافت ہوا تھا وہ لیمو کا رس تھا, اور میرے ذہن میں آیا کہ میں اس حوالے سے کس طرح کما سکتا ہوں, لیمو میں سے جو رس نکلا وہی نکلے گا. وہ کہتے ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمیں سہیب رضا قادری نے جوائن کیا. السلام علیکم بھائی. علامہ صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف انڈیکیٹ کیا جو آپ نے واقعہ شیئر کیا ویورز کے ساتھ, ذرا اس کو اگر کمپلیٹ کر دیں کہ آپ لالچ کر کے چیز حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن آپ کو پھر وہ چیز راس نہیں آتی. جی ہاں, وہ شیخ حسین عبد الحسین خان ساری کا واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ ایک معروف طبیب جس کا شہرا تھا اس کے پاس تشریف لے کے گئے تو اس کے گھر کا کچھ سامان بچ گیا تھا اور وہ اپنے عزیز سے کہہ رہا تھا کہ اس کو بھی بیچ آؤ, باقی سامان سارا بک گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم مایوس کیوں ہو اور یہ سارا گھر کا سامان کیوں بیچے جا رہے ہو اور یہ کیا سلسلہ ہے تم؟ اس نے کہا کہ میں کربلا میں ایک وبا پھیلی تھی اور اس وبا کا یہ تھا کہ علاج لیمبو کا رس تھا, تو میں نے ایک عطر تیار کیا, خوشبو تیار کی, جس کو پانی میں مکس کر کے اس کو لیمبو کے پانی کا شو کر کے وہ بیچتا رہا اور میں اس سے پیسہ کمایا تھا, اور وہ میری بیماری اتنی طویل ہو گئی کہ سارا میرا پیسہ کمایا اس پہ خرچ ہو گیا, اب یہ کچھ بچ گیا اور میں اتنی کرب میں ہوں, اتنی تکلیف میں ہوں, تو سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ بک جائے اور میرا وہ کرب کم ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب جنگ احد ہوتی ہے, جنگ بدر کے بعد دشمن اپنے زخم چاٹتا ہوا جب بھاگ کے آتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مارکے میں وارد تشریف فرما ہوتے ہیں, تو 50 افراد کو نامزد کرتے ہیں ایک درے کے اوپر اور فرماتے ہیں کہ کسی صورت یہ درہ نہیں چھوڑنا. اور جب کیا ہوتا ہے کہ جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے اور مسلمان فاتح ہو جاتے ہیں, مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اوپر کھڑے 50 افراد متوجہ ہیں جی, وہ سامان نیچے سمیٹ رہے ہیں, تو وہ رسول خدا کے حکم کو جو ہے وہ پسے پشت ڈال کر اس مال غنیمت کی حرص اور لالچ اور تمہ میں مال سمیٹنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم اس میں سے اچھی اچھی چیزیں اٹھا لیں, وہ مقتولوں کی زیریں اٹھا لیں, تلواریں اٹھا لیں اور یہ اٹھا لیں. حضرت عبداللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کو سمجھاتے ہیں, آوازیں دیتے ہیں, یہ 17 افراد صرف وہاں پہ رہتے ہیں, باقی وہاں سے نکل جاتے ہیں. خالد بن ولید اس وقت مشرک ہوتے ہیں, وہ جب گزرتا ہے دیکھتا ہے درہ خالی ہے, وہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے. وہی جو حرص اور لالچ میں جا کے مال غنیمت سمیٹ رہے تھے اسی کی تلوار کی زد میں آ جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں, یعنی وہ سمیٹا ہوا بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی, بہت سے لوگوں کی زندگی کے واقعات ہیں, انسان کوئی بھی چیز تمہ کے ساتھ لے لیتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے نصیب میں ٹھہرے.
ज़रूरी नहीं है कि वो उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सके, हो सकता है कि वो उसके नसीब में ना आए, उसके हिस्से की वो चीज़ ना हो। क्या ऐसा भी होता है मौलाना साहब, क्योंकि अगले मरहले में मैं सोच रही हूँ, क्योंकि इस वाले पोर्शन में हमारे पास बहुत कम टाइम है फिर कलाम की तरफ ही जाना, सिर्फ एक सिंपल से सवाल का जवाब दें क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपके पास ही आऊँगी कि फिर इस बीमारी से बचे कैसे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि विदाउट रियलाइजिंग एहसास ना आपको हुआ हो कि आपने लालच की वजह से किसी चीज़ को अचीव किया है और फिर भी आपको उसका नुकसान उठाना पड़े? जैसे कि किसी ने घर बनाना शुरू किया, मैंने ये देखा था किसी के साथ होते हुए, घर बनाना शुरू किया, वो घर की कॉस्ट आ रही थी 1.5 करोड़, लेकिन खर्चा हो गया 3 करोड़ का, 1.5 करोड़ ऑलमोस्ट नुकसान हुआ। तो मैंने उनके मुंह से ये सुना कि पता नहीं शायद कहीं मैंने लालच या हिर्स किया होगा या कुछ ऐसा किया होगा जो मुझे ये रकम रास ही नहीं आई। ऐसा भी होता है क्या? देखिए, विदाउट नोइंग भी आपको सजा मिल जाती है, ये चीज़ मुमकिन तो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंसान कोई चीज़ को हासिल करने के लिए कोई गलत रास्ता चुने और उसका दिल और उसका जो नफ्स है और उसका जो दिल के अंदर जो एक फीलिंग्स होती हैं वो उसको, उसका ज़मीर एक दफ़े उसको ज़रूर जगाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो दूसरी बात ये कि जहाँ तक इस किस्म की जो बात, जिस बात का आपने ज़िक्र किया कि जो शख्स ये सोचता है कि जी मैंने लालच किया, शायद हो सकता है लाइलमी में कोई लालच किया और उससे मुझे नुकसान हुआ, तो इसका मतलब यह है कि वो शख्स तो पहले ही इतना कॉन्शियस है कि वो लालच नहीं करता और वो इस तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर वो उस तरफ जाने वाला होता तो वो फिर ये बात ना कहता कि मैंने लालच से कमाया था, लाइलमी में कोई चीज़ है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम अब ये जानना चाहेंगे कि लालच और हिर्स से बचा कैसे जा सकता है, लेकिन पहले वेलकम करते हैं सैयद नुमान आसिफ ज़हूरी को। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोग्राम को क्लोज आपसे ही कलाम सुनते हुए करेंगे, लेकिन पहले अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड कर लें। वेलकम टू द प्रोग्राम बच्चे। ओके, तो अलामा साहब, अगर हमने मौलाना साहब, अगर हमने अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन तो इसी बात पे होती है कि सलूशन क्या है। देखिए, लालच का जो सलूशन है या उसका जो हल है वो इंसान कनाअत की तरफ आए और इंसान तवक्कुल की तरफ आए। तवक्कुल से मुराद अल्लाह ताला पे भरोसा है और कनाअत से मुराद जो अल्लाह ताला ने इसको अता किया है उसके ऊपर इसको भरोसा करके और उसी के अंदर रहना चाहिए। ये सोचना कि जी इस फना शख्स को अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है तो मैं भी हर सूरत उसको लूँ, इसका मतलब यह है कि वो अपनी ज़िंदगी को भी ख़राब कर रहा है, सुकून को भी वो गारत कर रहा है। तो अगर वो कनात को इख्तियार करे कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, और फिर आप ये देखिए कि अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाएं, तो आपने कभी दौलत की तलब नहीं की, आपने कभी किसी जाह की या किसी और। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुब्बे माल और हुब्बे जाह, यानी माल की मोहब्बत और किसी ओहदे की मोहब्बत, कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैं कमिश्नर बन जाऊँ, मैं फलां, मुझे ओहदा, कहा ये दो चीज़ें अगर इंसान के दिल में आ जाएं तो कहा कि दो भूखे भेड़िए अगर किसी बकरी के रेवड़ में छोड़ दें तो वो उन उस रेवड़ का उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितनी ये दो बुरी आदतें इंसान का, जो खसलतें जो हैं ये इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। तो जब इंसान इन चीज़ों की तरफ चलता है तो फिर वो हलाल और हराम को छोड़ देता है, फिर वो अपने माशरत को छोड़ देता है, वो फिर अपने उसूल और ज़ाब्तों को छोड़। देखिए मौलाना साहब, वो जैसे बचपन में, आई रिमेंबर के जब माँ बाप गाइड कर, कितनी बार मैं बचपन में क्यों चली जाती हूँ, शायद आजकल बचपन याद बहुत आ रहा है, बुढ़ापे की तरफ जो जा रही हूँ। तो मौलाना साहब, आई रिमेंबर मामा यूज़ टू से कि बच्चों सिगरेट को हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये गेटवे है टू ड्रग्स, अगर सिगरेट पियेंगे तो ये वो दरवाज़ा है जिसको अगर आपने खोल दिया ना तो फिर आप सारे नशों में और गलत कामों में पड़ जाओगे। इसी तरह लालच को अगर देखा जाए तो क्या ये एक गेटवे नहीं है? लालच की वजह से इंसान फिर झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, चकारी भी करता है, कत्लो गारत की तरफ भी चला जाता है, तो ये गेटवे नहीं है टू ऑल इवल्स? यकीनन बिल्कुल ऐसी बात है कि बहुत सी, मैंने अर्ज़ किया ना कि बहुत सी इंसान की खसलतों को बिगाड़ने में लालच और इन्हीं चीज़ों का, हिर्स का हाथ होता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि चूंकि हमने अपने बच्चों की भी तरबियत करनी है और बच्चों की तरबियत के लिए पहले हम रोल मॉडल बने,
हम बच्चों को कनात करके दिखाएं, जो कुछ हमारे पास है हम बच्चों को बताएं कि बेटा हमारे लिए यही काफ़ी है। दूसरा एक के पास अगर वो है तो वो उसका नसीब है, अल्लाह ताला ने उसको दिया। हम कोशिश कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला से उस चीज़ को मांग सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को लेने के लिए हम किसी गलत रास्ते पर चलें बहरहाल ये मुमकिन नहीं। कनात हो यानी जो चीज़ आपको दी गई है उसके ऊपर इंसान उसको समझे कि ये मेरे लिए काफ़ी है, और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा हो, मुझे उम्मीद है कि इंसान इस चीज़ों से बच सकता है। बिल्कुल जी। जी जिस तरह क़िबला शाह साहब ने फरमाया कनात के साथ ईसार एक ऐसी नेमत है, अगर इंसान इसको अखज़ कर ले तो इंसान हिर से तमाम लालच इन तमाम ऐबों से बच सकता है। जिस जंग का मैंने पहले तस्करा किया उसी जंग के एक ये भी है कि जब सहाबे पैगंबर वापस पलटे जंग में तो कुछ ज़ख्मियों को देखा जो पानी प्यास कर रहे थे, अलतश की सदा दे रहे थे, तो उसमें एक मशकीज़े में पानी लिया तो पहले एक के पास गए तो उनका दूसरे के कानों पे उसके कानों पे दूसरे की आवाज़ आ गई, कहा पहले मुझसे ज़्यादा वो इसके लायक है, पानी आगे चला गया। यानी वापस आते तक तीनों जाम शहादत नोश कर चुके थे, लेकिन उनका ये अमल कि जो उन्होंने ईसार वहाँ पे पेश किया तमा से हट के लालच से हट के इतना मौजज़ ठहरा कि आज भी जब ईसार की मिसाल दी जाती है तो उन्हीं बुज़ुर्गान को असहाबे पैगंबर को याद किया जाता है। बस अगर इंसान कनात के साथ साथ ईसार सीख ले कि लालच में ना पड़े। दो जानवरों की मिसालें इंसान के सामने हैं, एक वो जानवर है जिसको अल्लाह ने हलाल करार दे दिया, ये परिंद जो हैं इनको अल्लाह ने हलाल करार दिया है, और वो परिंद उनके पास लालच नहीं है, वो अपने एक दिन का खाते हैं और अगले दिन आराम से सोते हैं और अगले दिन फिर उठ के तलाश के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसी के मद्देमुकाबले एक नजसुल ऐन जानवर है जो फ़कत खुद नजस बल्कि पूरा वजूद उसका नजस है, जिसको कुत्ता कहते हैं, उसमें चूँकि हिर्स की मिसा अपना लालच की तमा की बहुत ज़्यादा है कि उसके मुंह में भी होगा फिर भी वो दूसरे से छीने की कोशिश करेगा। जो हम बचपन में मिसालें आपकी तरह मैं भी बचपन की मिसाल देता हूँ कि जो हमने किताबों में निसाब किताबों में पढ़ा कि और लालच बुरी बला है कि उनवान पे हमने वही वाकया साहब ने तकरीबन पढ़ा और उसको इंग्लिश में भी और उर्दू में भी हमने लिखा भी कि वो अपने मुँह में हड्डी लिए हुए नहर पर से गुजरता है और फिर वो भोंकता है तो हड्डी उसके नीचे गिर जाती है। यानी इंसान की भी हालत यही है। यही कहने लगी थी ये तो आपने इंसानों को ही डिफाइन और डिस्क्राइब, अल्लाह माफ़ी दे तौबा इस्तग़फ़ार हर इंसान को नहीं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनमें तो यही देखा जाता है। अभी अपने हाथ में चीज आई नहीं होती, वो सांभी नहीं होती, मतलब कहते वो वाली चीज पकड़ ले, और ये जो एक भूख नंग वाला जो हालात हो जाते हैं लोगों के शादी पे खाना जब खुलता है तो शादियों पे अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार आधी दुनिया भूखी मर रही है तौबा इस्तग़फ़ार। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम शादियों पे भी खाने खा सकते हैं और घरों पे भी बड़े अच्छे खाने खा सकते हैं, लेकिन शादी पे वन डिश की इजाज़त है। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए इतनी सी प्लेट के ऊपर इतनी बड़ी ढेरी होती है खाने की और 50% वो खाना ज़ाया होता है। ऐसे ही है। उसमें ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इंसान अगर इंसान रहे, और खुदा भी यही चाहता है कि इंसान इंसान रहे, ये इंसान के लिए अल्लाह कहता है ना वलक़द ज़रा अना लजहन्नम कसीरम अलजिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, कि मैं इंसानों की कसरत को जहन्नम की खेती बना दूंगा, इसलिए कि उनके पास दिलो दिमाग है उससे गौर नहीं करते, आँखें हैं उसे देखते नहीं हैं, कान हैं उसे सुनते नहीं हैं। अल्लाह कहते हैं मैंने इनको इंसान बनाया, ये जानवर हो गए बल्कि जानवरों से भी बदतर हो गए, और यही तमा लालच इंसान को इंसानियत की मेराज से गिरा कर असफलुस्साफिलीन की घाटी में फेंक देती है, और फिर वहाँ पे ना इंसानियत रहती है ना इंसानियत का मकाम और मेराज इंसानियत रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने का और गाइड करने का। यूँ इस कहने को लालच और हिर्स बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग करते हैं और इस हद तक करते हैं कि अपनी रिश्तेदारियाँ, अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने माशरे को और अपनी ज़ात को भी इतना डैमेज कर देते हैं, इतना बर्बाद कर देते हैं कि इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। तो प्लीज़ व्यूअर्स, उन चीज़ों से इज्तनाब करें जो आपको ऑलरेडी पता हैं कि गलत हैं। और बहुत ही प्यारी बात मौलाना साहब ने कही कि हमने अपने बच्चों को अपने एग्जांपल से सिखाना है। हम खुद अगर लालची होंगे तो फिर हमारे बच्चे भी लालची होंगे। अपने बिहेवियर को सीधा करें ताकि कम अज़ कम आप इस पोजिशन में तो हों कि अपने बच्चों को कहें कि बेटा मुझे कभी करते हुए देखें। आप भी ना कीजिए,
ना कि बच्चा घूम के कहे अब्बा जी तुसी की कह रहे हो, आपने तो अपनी बहन से कितने अरसे से बात नहीं की क्योंकि उस बेचारी ने अपना हक मांग लिया था। सो ये बहुत सोच समझ के आगे ज़िंदगी में बढ़ने वाली चीज़ें हैं, और अल्लाह ताला हम सबको इतनी सकत दे कि हम उस एज पे समझ जाएं और संभल जाएं जब यंग एज है और हम इन चीज़ों का बेनिफिट ज़्यादा रीप कर सकें, ना कि बिल्कुल लेटर ऑन इन लाइफ जाके सोचें कि अब ठीक हो जाना चाहिए क्योंकि दुनिया से रुखसत होना है तो जन्नत के लिए थोड़े एफर्ट्स करने शुरू कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। अब हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे सैयद उस्मान आसिफ जहूरी को सुनते हुए। या नबी नजर करम फरमाना हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। जहरा पा सबको मदीने बुलाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सज गई है रमजान में महफिल, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्तों नातों से है प्यारा आप से नाता, आप तो है आता है जिल को सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। और हाथों में जन्नत की कुंजियां, सर पे ताज शफात, थामे हाथ में हम्द का झंडा, आया शाह विलायत हसन हुसैन, हसन हुसैन हमसे कहते हरगिज ना घबराना, वाह हसनैन के नाना, वाह हसनैन के नाना। और निस्बत का फैजान तो देखो, खादिम गौसे जले हूँ, करता है मुझ पर नाज जमाना, मैं औलाद अली हूँ, करता है मुझ पर नाज जमाना, मैं औसाफ अली हूँ, आप किया साइल हूँ पुराना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। और
شب اسرا کا دولہا آگے آؤ کر لو زیارت اسد اللہ وجہ اللہ پیچھے پیچھے ملک طہارت اسد اللہ وجہ اللہ پیچھے پیچھے ملک طہارت کبھی نہ کرنا کبھی نہ کرنا ان سے مبالہ کبھی نہ کرنا ان سے مبالہ لعنت سے بچ جانا وحسنین کے نانا وحسنین کے نانا اور بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلی بنا محلہ دید کو رب نے بلایا عرش معلی بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلک نا حشر تلک نا ہوگا کسی کا آپ سایہ نہ جانا وحسنین کے نانا وحسنین کے نانا